गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा भारती में पाठ 7 दशहरा। दशहरा होता क्या है और इसे हम क्यों मनाते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। ये दशहरे के दिन हम रावण का पुतला दहन करते हैं, तो इसे हम क्यों मनाते हैं यह हम इस पाठ में जानेंगे। इसे हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और इसी दिन माँ दुर्गा ने भी नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद जो 10वां दिन होता है उस दिन युद्ध के बाद महिषासुर नामक रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसे हम असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाते हैं। तो इस पाठ में हम सत्य, न्याय, त्याग एवं परोपकार जैसे नैतिक मूल्यों के बारे में जानेंगे। मैदान के चारों ओर रंग बिरंगी झंडियाँ बंधी हुई थी, देखने वालों की भीड़ लगी थी। बीच मैदान में घोड़े की सवारी कर दौड़ दौड़ कर घुड़सवार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। अखाड़ों के ढोल धमाकों के साथ लड़के करतब दिखा रहे थे, कोई भाले से तो कोई अपनी तलवार से वार करने की कला दिखा रहा था। कोई आग के गोले में से निकलकर अपने साहस का प्रदर्शन कर रहा था, तो कोई मलखम पर चढ़कर संतुलन और बाजीगरी के करिश्मे दिखाने का काम कर रहा था। सूर्य अस्त होने लगा था, धीरे धीरे सब दशहरे के मैदान से उठकर घरों की ओर चल पड़े। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का भी दहन हो चुका था। दशहरा देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। दीपा, दिनेश और अनुश्री अपने पिता रघुनंदन के साथ घर चल पड़े। दशहरे के मेले से खरीदे हुए गुब्बारे, जो कि दीपा के हाथ में और मुकुट दिनेश के सिर पर और धनुष बाण अनुश्री के हाथ में थे, बातें करते करते सभी घर आ गए और आकर टीवी के सामने बैठ गए। दिनेश दीपा को अलग करते हुए पिताजी के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, क्या दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है? तभी पिताजी ने बताया कि दशहरा पूरे देश में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है और इसे हम विजयादशमी भी कहते हैं। तभी अनुश्री ने टीवी प्रारंभ कर दिया, यानी टीवी चालू किया। टीवी पर विभिन्न बहुत सारे स्थानों पर दशहरा मनाए जाने के दृश्य फोटो दिखाए जा रहे थे। रघुनंदन बोले, देखो यह है मैसूर का दशहरा। कर्नाटक प्रांत के मैसूर में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये देखो, यहाँ पर हाथी पर महाराजा की सवारी कितने ठाट बाट से निकल रही है। आकाश में यह रंगीन आतिशबाजी कितनी खूबसूरत लग रही है। पूरा शहर रोशनी की जगमगाहट से नहाया हुआ लग रहा था। सभी बच्चे उत्सुकतावश टीवी के पर्दे की ओर देख रहे थे। तभी दृश्य बदला और गुजरात के दशहरे का दृश्य आया, जिसमें रंग बिरंगे परिधान यानी कि रंग बिरंगे कपड़े पहनकर गरबा नृत्य किया जा रहा था। रावण आदि के पुतले भी दिखाई दे रहे थे। अचानक वह दृश्य बदल गया और हरे भरे पहाड़ी क्षेत्र को देखकर दीपा ने पूछा, यह कौन सा स्थान है पिताजी? तभी रघुनंदन ने बताया, यह है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का दशहरा। यहाँ पर पारंपरिक परिधानों से सजे लोक नृत्य यानी जो महा का नृत्य होता है वह अपने पारंपरिक परिधान कपड़े पहनकर करते हैं। यहाँ के मनोरम दृश्य और अधिक आकर्षण पैदा कर रहे हैं। क्रमशः महाराष्ट्र, कोटा, राजस्थान और जबलपुर मध्य प्रदेश के दशहरे के दर्शनीय दृश्य भी टीवी पर दिखाए गए। रावण मेघनाथ के पुतलों का दहन देखकर अनुश्री बीच में बोल पड़ी कि ये रावण और मेघनाथ कौन थे? जब उसने देखा कि सारे स्थानों पर रावण मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जा रहा है, तब उसने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, ये रावण और मेघनाथ कौन थे और इनके पुतलों का दहन क्यों किया जाता है? तभी पिताजी ने बताया कि इन्हीं से जुड़ी है दशहरा मनाए जाने की कथा। सुनो, आप भी सुनना कि दशहरा हम क्यों मनाते हैं। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, जिसमें से बड़े पुत्र का नाम था श्रीराम। वह गुरु वशिष्ठ के यहाँ पर
शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने गए। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ लोग अच्छे कार्यों में और यज्ञों में विघ्न पहुँचा रहे हैं। उन्होंने उन राक्षसों का वध किया। महर्षि के आश्रम में इस धरती का निशाचरों से मुक्त करने का प्रण श्री राम ने विजयादशमी के दिन ही लिया था। और संयोग से जिस दिन घमंडी व अत्याचारी रावण का अंत हुआ उस दिन भी विजयादशमी ही थी। उन्होंने जिस दिन उन राक्षसों का वध किया जो कि लोगों को नुकसान पहुंचाते थे, अच्छे कार्यों में यज्ञ में विघ्न डालते थे, उन्होंने उस दिन राक्षसों का वध किया और उसी दिन विजयादशमी थी। उन्होंने यह प्रण भी लिया कि वह ऐसे राक्षसों का वध करेंगे जो कि अच्छे कार्यों में विघ्न पहुंचाते हैं। और जिस दिन उन्होंने घमंडी व अत्याचारी रावण का अंत किया था उस दिन भी विजयादशमी ही थी। दीपा ने उत्सुकतावश पूछा, राम ने रावण को क्यों मारा? जब पिताजी ने बताया कि श्री राम ने रावण को मारा था, तब दीपा ने अपने पिताजी से पूछा कि राम ने रावण को क्यों मारा था। तभी पिताजी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास गए। वनवास में सीता को अकेला पाकर रावण कपटपूर्वक सीता का हरण कर लंका ले गया था। उसकी सेना बहुत बड़ी और हथियारों से सुसज्जित थी। रावण के पास बहुत सारे हथियार थे। वह अधर्मी और अत्याचारी भी था। श्री राम ने सुग्रीव और वानरों की सहायता से सेना बनाई और उचित मार्गदर्शन, रणनीति और पराक्रम से लंका पर आक्रमण कर दिया। अंत में जब घमंडी और अन्यायी रावण का अंत हो गया, पूरे युद्ध में श्री राम ने धर्म नीति की मर्यादा को नहीं लांघा, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। युद्ध के बाद श्री राम सीता को वापस ले आए और इस युद्ध में रावण का भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद भी रावण का साथ देने के कारण मारे गए। आज भी हर वर्ष दशहरे पर इनके पुतले जलाए जाते हैं ताकि लोग अत्याचार और अधर्म के रास्ते पर चलने से डरें। बहुत पहले इन राक्षसों के प्रतिरूप मिट्टी से बनाए जाते थे, फिर उन पर प्रहार कर नष्ट किया जाता था। तभी अनुश्री ने पूछा, विजयादशमी पर शक्ति की पूजा क्यों की जाती है? तभी पिताजी ने बताया, इसी पुण्यतिथि पर माँ भगवती ने महिषासुर के आसुरी आतंक को समाप्त कर उसे नष्ट किया था। एक अन्य कथा के आधार पर माँ जगदम्बा ने अपनी शक्तियों के साथ नवरात्रि के 9 दिनों तक शुंभ निशुंभ राक्षस और आसुरी सेना से युद्ध किया। युद्ध में विजय क्वार मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को प्राप्त हुई थी, इसलिए शक्ति की पूजा के साथ दशहरा मनाया जाता है। दिनेश अचानक से बीच में बोला, तब तो हमारे जीवन में दशहरे का महत्व और बढ़ जाता है। रघुनंदन ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आज के संदर्भ में दशहरे का महत्व और भी बढ़ जाता है। इन कथाओं से समस्याओं और अत्याचार से लड़ने की हमें प्रेरणा भी मिलती है। हमारे क्रांतिकारियों ने तो इस महान पर्व से प्रेरणा लेकर परतंत्रता के राक्षसों को समाप्त करने की ठानी थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्होंने भी इन्हीं कथाओं से प्रेरणा ली थी और परतंत्रता के राक्षसों को समाप्त करने की ठानी थी। क्रांतिकारी वीर रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि विजयादशमी साहस और संकल्प का महापर्व है, परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए, न कि अपनों के प्रति। उन्होंने क्या कहा था कि हमारा रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि विजयादशमी साहस और संकल्प का महापर्व है और इस दिन हमें ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद और देशद्रोहियों, जो लोग जातियों में भेद करते हैं और जो देशद्रोही हैं उनको नष्ट करने में करना चाहिए, ना कि अपनों के प्रति। हमारा सही रूप से विजयादशमी मनाना तभी सार्थक होगा जब हम दुष्प्रवृत्तियों और स्वार्थ के बढ़ते रावण को जला सकेंगे। इतने में माँ भोजन लेकर आ गई थी। सब ने मिलकर भोजन किया। नई नई रोचक कथाएं सुनकर सभी प्रसन्न थे। सभी ने दशहरे के मेले से लाए खिलौने माँ को दिखाए। तो देखा आपने हम लोग दशहरा क्यों मनाते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस दिन श्री राम ने रावण का वध किया और उस पर विजय प्राप्त की थी, और इसी दिन माँ भगवती ने नवरात्रि के 9 दिन पूर्ण होने के बाद 10वें दिन महिषासुर नामक रावण पर भी विजय प्राप्त की थी, इसीलिए हम लोग दशहरा मनाते हैं। तो आपको इससे क्या सीखना मिला? इससे हमें यह सीखना मिलता है कि जो लोग देशद्रोही हैं और जो जातिवाद करते हैं, जातियों में भेद करते हैं, हमें उन जैसे रावणों को नष्ट करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।